हेलो एवरीवन, आज है 28 नवंबर और आज हम फार्मा कंपनी के एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी प्राइस 30 रुपये से भी कम है, और अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको एक बढ़िया रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए हम कंपनी का नाम देखते हैं। तो कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है, कंपनी का नाम है मार्सन्स फार्मा। ठीक है, अभी ये 29 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी तकरीबन 1 रुपये की गिरावट है, 3% की गिरावट मैं इसको कह सकता हूँ। तो हाल फिलहाल में अगर आपको किस कीमत पर इसको खरीदना चाहिए और किस तरीके से आपको खरीदना चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर बात की जाए तो उसका जो प्रीवियस क्लोज था वो 30.40 था, ओपन हुआ तब 30.55 पे ओपन हुआ था, वही उसका दिन का हाई रहा। उसके बाद इसमें कॉन्स्टेंटली गिरावट आती है, 29.40 का लो बनाया है और एंड ऑफ द डे 29.55 पे ये क्लोज हुआ। इसके पिछले एक हफ्ते का अगर मैं डेटा निकालने जाऊँ तो पिछले एक हफ्ते में इसमें 0.86% का ग्रोथ देखने को मिला है। काफ़ी सारी अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देखने को मिले। 29.10 रुपीज़ का लो बना है और 30.30 रुपीज़ का हाई बना है। पिछले एक महीने की बात करूं तो एक महीने में इसमें 8.30 रुपीज़ का ग्रोथ देखने को मिला है। 27.10 रुपीज़ का लो है और 34.60 रुपीज़ का हाई बनाया है। पिछले अगर एक साल की मैं बात करूं तो एक साल में हालत थोड़ी ख़राब है, तकरीबन 28% की गिरावट है। लेकिन इस दौरान काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। 24.70 रुपीज़ का लो है और 48.75 का हाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूँ तो 70% से भी ज़्यादा गिरावट है। 70%, 24.70 रुपीज़ का लो है और 110 रुपये का हाई। पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूँ तो 10 साल में 433% का रिटर्न दिया है। 1 रुपये के ये 1.38 रुपये का लो बनाया है और 112 रुपये का हाई। आप देख सकते हैं एकदम बहुत ही बड़ा जंप लगा था, बाद में इसमें गिरावट चल रही है और अभी भी वो जारी है। और डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल की कंपनीज है, 1,200 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है, एनएससी में अगर देखा जाए तो 7 लाख शेयर्स का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और रिजल्ट आप देखिए, रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2017 में नेट सेल की अगर मैं बात करूं तो 273 करोड़ का नेट सेल था। वो जो जून में कम हुआ था 235 करोड़ के आसपास का रहा, लेकिन सितंबर में फिर से ग्रोथ किया है 270 करोड़ के आसपास। तो डेफिनेटली नेट सेल में ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे 5-4.5% का ग्रोथ देखने को मिला है, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 4.5% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन लॉस देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में। तकरीबन 17% का लॉस है नेट प्रॉफिट में। लेकिन अगर हम इसको सितंबर 2017 से कंपेयर कर रहे हैं तो सितंबर 2017 में नेट प्रॉफिट था 9 करोड़ 40 लाख के आसपास, जबकि सितंबर 2018 में तकरीबन 20 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। तो डेफिनेटली 200 गुना से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट हम इसको कह सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो जो प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए कि सितंबर 2017 में 8.98 था, जो जून 2018 में बढ़ के 15.08 रहा, लेकिन सितंबर 2018 में फिर थोड़ी सी गिरावट आई, 13.80 तक पहुंचा। और अगर शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 48.25% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 2.98 की होल्डिंग एफआईएल के पास है, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई होल्डिंग नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 47.19% की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप देखेंगे कि 39.73% की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर की है, और कोई भी प्रमोटर्स ने अपने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखे, काफ़ी अच्छी बात है ये। 30 FIIs ने अपना पैसा लगाया हुआ है इस पे। और डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 5% का डिविडेंड पे कर रहा है, तकरीबन 0.05 रुपीज का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब 5 पैसे पर शेयर का डिविडेंड पे कर रहा है। हालांकि डिविडेंड बहुत कम है, ठीक है, लेकिन डिविडेंड पेइंग स्टॉक है।
और अगर मैं इसको मनी कंट्रोल में जाके देखूं तो मनी कंट्रोल में आप देखेंगे कि तकरीबन तकरीबन 73% लोग बाय के लिए बोल रहे हैं, 27% लोग सेल के लिए बोल रहे हैं। पीस रेशियो देखेंगे 20.74 है, अब वो इंडस्ट्री पी से हालांकि कम है, 29.51 पी इंडस्ट्री पी का स्टॉक है। ईपीएस 1.42 का है, बुक वैल्यू है 11.74, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.51 की है, 25% की डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 66 करोड़ का कर्जा है, लेकिन उसके अगर में तकरीबन 500 करोड़ के उनके पास असेट्स भी है। तो ओवरऑल अगर मुझे इस फार्मा कंपनी के शेयर के बारे में अगर बताना हो तो डेफिनेटली मेरे में इसमें बाइंग रेटिंग है, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि ये शेयर आपको 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना पैसा कमा के देगा। जी नहीं, इतना नहीं होगा। ऑलमोस्ट अगर 1 साल का अगर आप लेके चलेंगे तो आपको 30 से 40% का ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ये 29 पे भी ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली 1 साल का अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो 40-45 तक ये जा सकता है, इतना पोटेंशियल मुझे लग रहा है कि इसमें हो सकता है। लेकिन अगर आप ये मान के चलेंगे कि 2 गुना हो जाएगा तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। इनके नेक्स्ट रिजल्ट किस तरीके से आते हैं, क्या आते हैं, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो अगर 1 साल का अगर आप इसमें पोर्टफोलियो लेके चल रहे हो तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा, आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा इसमें। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों की होती है कि भाई 30 रुपये का जो शेयर है, 5 रुपये या 10 रुपये का शेयर है, 20 रुपये का शेयर है, वो डबल हो जाए, तो देखिए वो बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से आपको ऐसे शेयर में पैसा लगाना चाहिए जिस पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट कर सकते हो, और मुझे लग रहा है कि मार्क्सन फार्मा एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको डेफिनेटली 1 साल में 30 से 35% का रिटर्न मिल सकता है। और पैसा आपका है तो सोचना भी आप ही को है कि आपको शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना। मैंने अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको बताया है कि फार्मा कंपनी का ये शेयर मुझे जो पेनी स्टॉक जिसे कहते हैं, मतलब जिसकी प्राइस 50 रुपये से कम है, वैसा ये शेयर मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वैसे और भी बहुत सारे शेयर हैं, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप लूपिन पे पैसा लगा सकते हैं। लूपिन एक ऐसा शेयर है जो आपको पैसा अच्छा खासा कमा के दे सकता है, लेकिन लेकिन अगर आपको छोटी कंपनी में निवेश करना है तो मार्क्सन फार्मा भी एक चॉइस है। तो ये मेरे हिसाब से मैंने रिसर्च करके आपको बताया है, फैसला आपको लेना है। आप भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आपको देखना है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूंगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।